नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, यानी कि एमपी स्पेशल के बारे में। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से अच्छी खासी संख्या में आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और एमपीपीएससी को देख लीजिए, क्योंकि हम लोग एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये सभी क्लासें कवर कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर एमपीपीएससी के देखे होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि अच्छी खासी संख्या में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि अगर आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को नहीं पढ़ते हैं तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स आप लोग किसी तरह से क्लियर नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना चाहिए और एमपीपीएससी ले लीजिए, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी जेल पहरी, या आप देखते हैं शिक्षक भर्ती होती रहती है आपके यहाँ, वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन की, इस तरह के तमाम एग्जाम होते हैं जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को पढ़ना चाहिए और इसके लिए एक आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है और पूरा आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में हम लोग कवर करेंगे। एमपी स्पेशल, एमपी जी के स्पेशल क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। उसमें अभी तक आपने देखा है कि एक क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं, मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य का गठन और पुनर्गठन, क्योंकि आज के समय में जो आप लोग मध्य प्रदेश देखते हैं ना, ये आप लोग मध्य प्रदेश देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। आप देखिए, इसमें कुछ जुड़ता रहा, कुछ घटता रहा। आप सभी जानते हैं कि सन 2000 तक छत्तीसगढ़ जो आप लोग पड़ोसी देख रहे हैं राज्य, ये भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। और उससे पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश की अवस्थिति कुछ और ही थी। एक बार आप लोग स्क्रीन पर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अगर आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चले हम, तो आप देखेंगे आज का वर्तमान का मध्य प्रदेश आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। किस तरह से? इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां आप देख रहे होंगे कि आपका ये है आज का मध्य प्रदेश, वर्तमान का मध्य प्रदेश। यहां ऊपर आप देखिए भिंड मुरैना से नीचे आपका बुरहानपुर बैतूल तक, और यहां अलीराजपुर झाबुआ से लेकर सिंगरौली सीधी तक, ठीक है? तो ये वर्तमान मध्य प्रदेश है। अगर इसमें आप लोग देखें कि पहले के मध्य प्रदेश को अगर आप देखना चाहें तो पहले आप देखिए इस तरह का मध्य प्रदेश हुआ करता था। इसमें सिंधिया रियासत ग्वालियर ये हुआ करती थी, होलकर रियासत इंदौर, पवार रियासत देवास, मध्य भारत भारत प्रांत से कहते थे पूरे इस क्षेत्र को, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि आपका बुंदेलखंड एक कहलाता था, बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र, रीवा क्षेत्र, ठीक है? इसी विंध्य क्षेत्र प्रदेश भी कहते थे आप लोग। ये आपका पूरा सीपी बरार हो गया और ये भोपाल स्टेट हो गया, और छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं इसी में। फिर कुछ पिक्चर और देख लीजिए आप लोग। देखिए, आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, आप सोचिए इस तरह से अवस्थिति आपको मैप में दिखाई देती थी। फिर आप देखेंगे कि एक छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, ठीक है? और आप मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस तरह का है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह का, ठीक है? तो इसका क्या प्रक्रिया रही है, कब कौन से राज्य, कौन से देश, कौन से आपका क्षेत्र जुड़ता रहा, कौन सा घटता रहा, क्या परिवर्तन होता रहा, इसी के बारे में सब जानकारी हमें इकट्ठी करनी है। क्या करनी है? इकट्ठी करनी है। और इन्हीं से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी पूछे जाते रहते हैं कि कब कौन सा जिला जोड़ा गया, कब कौन सा जिला घटाया गया। समझ रहे हैं आप लोग? और अच्छी खासी संख्या में इससे भी आपकी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और अगर आपकी बात करें तो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व आप लोग इसे मध्य भारत के नाम से जानते थे। अगर आपसे पूछे कि आजादी के पहले, या आप सोचिए कि 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश का पूर्व नाम क्या था पुनर्गठन के पहले, तो इसे आप लोग मध्य भारत कहते थे। क्या कहते थे? मध्य भारत कहते थे। मध्य भारत कहने का मतलब है कि बीच में होने के कारण। आप सभी देख रहे हैं ना, देखिए हृदय प्रदेश, इसीलिए तो कहते हैं आप लोग। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश, इसीलिए तो कहते हैं आप लोग इसे। और आप सभी जानते हैं कि इसका गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। कब होता है? 56 को होता है।
और चार राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के रूप में ये आता है, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को। और इसीलिए आप जानते हैं कि 1 नवंबर को आप लोग मध्य प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मध्य प्रदेश पर्व भी कहते हैं। फिर आप सभी जानते हैं इसका पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 2000 में होता है। कब होता है? 2000 में होता है। और आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है। किसे? सीजी, यानी कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। अगर अभी हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको 10 संभाग देखने को मिलेंगे। संभागों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? संभाग 10 देखने को मिलेंगे। और जिले, वर्तमान में जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में जिले, जिलों की संख्या है 52। और सबसे नया आप सभी जानते हैं कि निवाड़ी है, जो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। तो इसी के बारे में बात करनी है कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है 1956 से लेकर, 1956 के पहले से लेकर, आप सोचिए क्या प्रक्रिया रही है, किस तरह से बदलता रहा है मध्य प्रदेश। और वहां से हम लोग शुरू करेंगे और 10 संभाग और 52 जिले पर आकर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग कब, बताइए कुछ, 1956 के पूर्व की स्थिति देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिलती है, हमारा देश आजाद होता है और हमारे देश एक स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग। और स्वतंत्रता के समय अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। जब हमें आजादी मिली तो उस समय मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य ही नहीं था। 1947 की जो श्रेणियां बनी थी उसमें आप देखेंगे पार्ट ए, क्या पार्ट ए, फिर आप देखेंगे पार्ट ए में आप देखें तो आपका जो सेंट्रल प्रोविंस और वराज का प्रांत आता था। ठीक है, और इसमें आप देखें पार्ट बी, पार्ट बी, इसमें आप देखेंगे पार्ट बी में देखेंगे कि आपका मध्य भारत का क्षेत्र आता था। पार्ट सी इसमें आप देखेंगे कि आपका विंध्य प्रदेश आता था। फिर भोपाल स्टेट आप सभी जानते हैं, इसमें आप देखते हैं भोपाल आता था। तो इसके बारे में एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर हम लोग बात करें कि जो पार्ट ए था, पार्ट ए था, इसमें आप देखेंगे इसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी? नागपुर। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। इसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल था? एक तो आप देखेंगे सीपी बरार, जिसे आप लोग सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सेंट्रल एवं बरार, इसे सीपी बरार भी कह देते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके अगर हम देखिए उस समय के जो प्रमुख थे इस क्षेत्र के, वो पंडित आपके रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे पार्ट बी की बात करें, अगर हम लोग इसकी पार्ट बी की बात करें तो इसमें आप देखेंगे इंदौर, ग्वालियर इसकी राजधानी हुई। इंदौर भी कुछ समय के लिए इसकी राजधानी हुई और ग्वालियर भी इसकी राजधानी हुई, इंदौर ग्वालियर। ठीक है, और इसमें आपका जो मध्य भारत का क्षेत्र था ना, मध्य भारत का क्षेत्र आता था। अगर इसके प्रमुख की बात करें तो लीलाधर सेठ यहां के प्रमुख हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? यहाँ के हुआ करते थे। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और पार्ट सी में इसकी राजधानी रीवा थी। क्या थी? रीवा थी। और इसमें आप देखें तो विंध्य प्रदेश आपका शामिल था। क्या था? विंध्य विंध्य प्रदेश शामिल था। और आप देखेंगे इसके प्रमुख की बात करें तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे इसके। और भोपाल की बात करें तो आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी भोपाल थी। और आप देखेंगे
भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी, इसमें भोपाल स्टेट शामिल था आपका, भोपाल स्टेट इसमें शामिल था। इसके प्रमुख की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके प्रमुख थे कौन, स्टेट, ठीक है। इसके प्रमुख थे पंडित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, कौन, शंकर दयाल शर्मा। तो आप देखेंगे सीपी बरार की बात करते तो 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत सेंट्रल प्रोविंस के रूप में गठित प्रदेश की स्वतंत्रता के समय तक मुख्य मध्य प्रदेश था, और इसकी न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था, और जिसका प्रमुख था न्यायिक कमिश्नर हुआ करता था। 1921 में आप देखेंगे इसे राज्यपाल प्रांत बना दिया गया, और जब हैदराबाद रियासत से बरार लेकर उसमें मिलाया गया तो 1936 में इसका नाम सीपी प्रोविंस एंड बरार कर दिया गया। 1947 में आप देखेंगे सीपी बरार पार्ट ए में शामिल राज्य था, और जिसमें छत्तीसगढ़ का आपका विदर्भ महाकौशल ये सभी शामिल था। इसकी राजधानी आपको बता चुका हूँ नागपुर थी, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे कहें तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और राज्यपाल यहाँ के ई राघवेंद्र थे। इसमें याद रख लीजिए एक बार, और इसके प्रमुख कह लीजिए या इसके मुख्यमंत्री कह लीजिए, कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, रवि शंकर शुक्ल, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और याद रखिए यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल कौन थे, यहाँ के राज्यपाल थे आपके ई राघवेंद्राचार्य, ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861 को स्थापित सागौर नेर बुड्डा नागपुर प्रांत मिलाकर इसे बनाया गया था, और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में आप देखेंगे 1936 में बना, 1950 तक ये अस्तित्व में रहा, तो ये भी याद रखिएगा। और मध्य भारत में, मध्य भारत प्रांत पार्ट बी में शामिल था, आपको बता चुका हूं, जैसा कि इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर रही, क्या रही, इंदौर और ग्वालियर रही, 6.5 महीने के लिए ग्वालियर थी और 5.5 महीने के लिए इंदौर थी इसमें, ठीक है। और ये आपका 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ अस्तित्व में आया था मध्य भारत। और आप देखेंगे 1946 से 48 की अवधि में यहाँ निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके प्रमुख लीलाधर जोशी थे, कौन थे, लीलाधर जोशी थे। और 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तख्त मल जैन मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे, और 1947 से 56 के मध्य हमारा मध्य प्रदेश, हमारा प्रदेश मध्य भारत के रूप में जानते थे आप लोग। फिर आपका आता है कि विंध्य प्रदेश, जिसे आप लोग रीवा कहते हैं, पार्ट सी में आता था ये। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी बनाया गया था आपका, ठीक है। और ये यहाँ की अगर फिर राज प्रमुख की बात करें रीवा के, तो महाराजा मार्तंड सिंह देव यहाँ के नियुक्त किए गए थे, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बघेलखंड और बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा। क्या करना चाहिए, इस ये याद रखना चाहिए आपको। फिर आपका भोपाल स्टेट आता है, इसकी राजधानी भोपाल थी, पार्ट सी में शामिल था ये, किसमें, पार्ट सी में ही शामिल था। और प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था, किसने, नवाब हमीदुल्ला खान ने। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया था, और इस समय इसकी राजधानी इस्लामाबाद भोपाल के पास ही हुआ करती थी, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक बार आप लोग और देख लीजिए, मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए देखिए, देखिए मध्य भारत हो गया ये भोपाल स्टेट हो गया, ये विंध्य प्रदेश हो गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड वरार हो गया आपका, ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए आपको। और आप देखेंगे यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा है मध्य भारत, भोपाल स्टेट, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर ये सीपी बरार हो गया, ठीक है। तो इन्हीं की बात अभी तक 1947 के बाद आप देखिए और 1956 के बाद देखिए, इसी स्थिति में आपका मध्य प्रदेश रहा है, इसी स्थिति में आपका मध्य प्रदेश रहा है। अब चलते हैं आगे हम लोग, क्या करते हैं, अब आते हैं हम लोग 1956 पर चलते हैं। ये आप देखिए 1956 के पहले की स्थिति है, कब की, 1956 के पहले की स्थिति ये सभी।
और 1956 के 56 में क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ कि एक आप देखते हैं कि राज्य का गठन होता है, और फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग सुना है आप लोगों ने? अगर आपसे कभी पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस किस आयोग के गठन पर हुआ था, तो ये था फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जो आप पार्ट ए देख रहे थे, पार्ट बी देख रहे थे, पार्ट सी देख रहे थे और भोपाल स्टेट देख रहे थे, इनके क्षेत्रों को मिलाकर आपका मध्य प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? मध्य प्रदेश बनाया गया था। अब आप लोग कहेंगे कि पूरा क्या पूरा इन क्षेत्रों को मिला लिया या इनमें से कुछ हटा दिया गया था? तो सबसे पहले आप लोग सीपी बरार को देखिए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को, पार्ट ए को देखिए। तो पार्ट ए में आप लोगों को याद रखना चाहिए इसका कुछ क्षेत्र, पार्ट ए में से आपका बुलढाणा, क्या बुलढाणा, फिर आप देखेंगे बुलढाणा के बाद अकोला, उसके बाद आप देखेंगे कि अमरावती, अमरावती, अमरावती के बाद जाइए आप लोग यवतमाल, ठीक है, यवतमाल के बाद जाइए वर्धा, वर्धा, नागपुर, नागपुर के बाद आप देखेंगे आपका भंडारा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका चांदा, चांदा। इसमें आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों कुल, एक कुल 8 जिले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 क्षेत्रों को कहाँ मिला दिया गया? मुंबई महाराष्ट्र को दे दिए गए, महाराष्ट्र को दे दिए गए। किसे दे दिए गए? मुंबई को, महाराष्ट्र को दे दिए गए। महाराष्ट्र आप लोगों ने देखा है ना, इस क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र आपको महाराष्ट्र को दे दिए गए। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बुलढाणा जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो ये पार्ट ए का बुलढाणा क्षेत्र कहाँ चला गया था? महाराष्ट्र में, अकोला भी गया था, अमरावती गया था, यवतमाल गया था, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ये 8 क्षेत्र आपके कहाँ चले गए थे? मुंबई राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। और जो शेष आप देखेंगे पार्ट ए बचा था वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, ठीक है। तो इन 8 क्षेत्रों को आपको जरूर याद रखना होगा। और एक और आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है कि भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश को मिली थी, और लेकिन इसका एक सुनील, क्या था, सुनेल, टप्पा, ये राजस्थान को मिला था। किसे मिला था? राजस्थान को मिला था। अब आप कहेंगे राजस्थान दिखा दीजिए, तो ये राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भानपुरा तहसील तो मध्य प्रदेश को मिल गई, लेकिन इसका एक गांव हुआ करता था सुनेल टप्पा, ये राजस्थान को मिल गया था, और शेष संपूर्ण मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश को मिला दिया गया था। किसे? मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य भारत प्रांत की बात हो गई, इसमें से केवल मध्य भारत प्रांत में से केवल आपका पार्ट बी में से केवल एक क्षेत्र सुनेल टप्पा गांव केवल राजस्थान को दिया गया, और संपूर्ण क्षेत्र पार्ट बी का आपका मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। किसे दे दिया गया था? मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। फिर आप देखेंगे पार्ट आपका भोपाल राज्य जाता है, और या पार्ट सी देख लीजिए, पहले आप लोग पार्ट सी देख लीजिए, आप लोग क्रम से चलिएगा, ठीक है। अगर पार्ट सी की बात करें तो आप देखेंगे विंध्य प्रदेश यानी कि रीवा को, पार्ट सी को पूरी तरह से मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था, पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। किसका था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, हिस्सा था। और जो पार्ट भोपाल राज्य था, भोपाल राज्य, इसे भी पूरा का पूरा एमपी में मिला दिया गया था, मध्य प्रदेश में को मिला, ठीक है। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गई, जो पार्ट आप देखते थे ना, 4 स्टेट आप लोगों को आजादी के बाद देखने को मिलेंगे, तो पार्ट ए हो, पार्ट बी हो, पार्ट सी हो, या भोपाल स्टेट हो,
तो पार्ट ए में से आप देखिए कि बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ये 8 क्षेत्र महाराष्ट्र में दे दिए गए। शेष जो पार्ट ए का भाग था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और पार्ट बी में आप देखेंगे सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया गया। बाकी का पार्ट बी जिसमें मध्य भारत पूरा मध्य प्रदेश को मिला, पार्ट सी में का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश को मिला, और भोपाल स्टेट का पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश को मिला। एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से पार्ट में आप देखिए कौन सा स्टेट पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो दो स्टेट थे, एक तो भोपाल, एक आपका एक कौन सा पार्ट सी जिसे आप लोग मध्य भारत प्रांत के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? पार्ट बी को आप लोग मध्य भारत कहते थे और पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहते थे। इसकी राजधानी रीवा थी। एक बार और फिर बता देता हूं, पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, पार्ट बी की इंदौर और ग्वालियर, पार्ट सी की रीवा, भोपाल स्टेट की भोपाल। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर पूछे तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे देना, क्या कर देना, दे देना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल आपका मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आता है। क्या आता है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बन जाता है। किस रूप में आ जाता है? मध्य प्रदेश राज्य आ जाता है इस रूप में। किस रूप में? देखिए, ए मध्य प्रदेश वाला हिस्सा और जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा दिख रहा है, ये 1956 की स्थिति है। छत्तीसगढ़ को यहां से हटा दीजिए, पूरा मध्य प्रदेश में मिला दीजिए। और जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था भारत में, और ये सन 2000 तक रहता है। लेकिन 2000 सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाता है मध्य प्रदेश से, तो अब मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो इस समय अगर आप देखें कि आपसे पूछ लेगा कि अगर आपसे पूछे कि इस समय राजधानी क्या बनाई गई थी, भोपाल को बनाया गया था। 1956 में भोपाल को राजधानी बनाया गया। और इस समय जिले कितने थे मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में? तो इसमें जिले थे 43। कितने थे जिले? थे आपके 43, 43। ठीक है, और अभी आप देखते हैं 52 पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से बढ़ते रहे घटते रहे इस सब पर बात करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका आप चलते हैं राज्यों का देख लेते हैं पहले कि कहां कहां क्या पहुंचा, कहां क्या पहुंचा। तो इसमें आप लोग देखिए कि बात है कब की, बात बड़ी पुरानी नहीं है, नहीं है। और आप देखेंगे 43 तो आपके जिले थे, और संभागों की संख्या भी याद रखिएगा। संभाग अगर आपसे कभी पूछे कि संभाग कितने थे, तो इसमें संभाग थे इस समय 8 संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और क्षेत्रफल कितना था मध्य प्रदेश का इस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में? तो ये था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल है कब का? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 की बात है। तो इस क्षेत्रफल को याद रखिए, हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश राज्य का जब गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 8 संभाग थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे। क्षेत्रफल कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि एक डेट है आपकी 1972। कब? ये बात है 26 नवंबर 1972 की, 26 नवंबर 1972 की, 1972 की। तो क्या हुआ कि इसमें आप देखेंगे दो जिले जोड़े गए। एक तो आप देखेंगे भोपाल को, जो सीहोर की राजधानी, सीहोर में आता था पहले भोपाल, जो आप लोग भोपाल देखते हैं ना, ये पहले सीहोर में आता था। तो आप देखेंगे कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी पहले भोपाल। ठीक है, तो सीहोर से अलग करके भोपाल को एक जिला बनाया गया 1972 में। 26 नवंबर 1972 में दो नए जिले बने, एक तो भोपाल ये सीहोर से अलग करके, और एक था आपका राजनाथ। ठीक है, एक इससे अलग करके बनाया गया था राजनांद, ये दुर्ग जिले से, एक कोष्टक में लिख देते हैं, दुर्ग से अलग करके बनाया गया था ये। और ये आपका भोपाल सीहोर से अलग बनाया गया था, सीहोर से अलग करके। ठीक है,
तो आप कितने जिले हो जाते हैं आपके? 43 में दो और जोड़ दीजिए, आप देखेंगे 45 जिले हो जाते हैं। कितने जिले हो जाते हैं? 45 जिले हो जाते हैं। तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1972 को दो जिले जोड़े गए थे, एक तो भोपाल नया जिला बना था, एक आपका राजनांदगांव जिला बना था। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि आगे चल के एक आपकी 1998 की बात है। कब? 1998 की बात है, 1998 की बात है। बी आर दुबे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग आता है। किसकी अध्यक्षता में? बी आर दुबे की। क्या आता है? जिला पुनर्गठन आयोग। और आप देखेंगे कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये करता है कि आपके 10 नए जिले बनाता है, 10 नए जिले जोड़ता है। और इस तरह से आप देखेंगे टोटल आपके कितने जिले हो जाते हैं? 55 जिले हो जाते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 10 जिले कौन-कौन से थे, और इस बी आर दुबे की अध्यक्षता वाली जिला पुनर्गठन आयोग को भी याद रखिएगा, ये 1998 में आया था। ये पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में 10 जिले जब जोड़े गए थे किसकी अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग आया था, तो आपके बी आर दुबे या बी आर दुबे। ठीक है, 25 मई की घटना है। कब की? 25 की। और इसमें आप देखेंगे आपका खरगोन से बड़वानी, मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, मंडला से डिंडोरी अलग किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आपका। फिर आप देखेंगे 1998 की एक और बात है, एक आपकी 1998 में ही ये घटना है। आप देखिए कब की, ये 25 मई की बात है, 25 मई की बात है जब 10 नए जिले जोड़े गए। और आप देखेंगे कि फिर है एक सिंह देव समिति, सिंह देव समिति। एक भाई ये बात है, आप देखेंगे सिंह देव समिति, ये आपको देखने को मिलेगा 10 जून 1998 को इसकी की गई अनुशंसा पर, 1998 की बात है। इसमें 6 नए जिले जोड़े गए। कितने? 6 नए जिले जोड़े गए थे। ये आप देखेंगे, ये आपकी 25 मई की बात है। ठीक है, और ये आपकी है कब की? 10 जून की बात है, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले जोड़े गए। कितने? 6 नए जिले जोड़े गए, नए जिले। और इसमें आप देखेंगे, अगर इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें, तो आप देखेंगे उमरिया, हरदा, नीमच जोड़े गए थे। उमरदा क्या? उमरिया, हरदा, नीमच, उमरिया, हरदा, नीमच। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 6 और जोड़ दीजिए 55 में से, तो 61 जिले हो जाते हैं आपके। कब? ये बात है आपकी 1998 जून, 10 जून 1998 तक आप देखेंगे जिलों की संख्या हो जाती है 61 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 61 हो जाती है। और आप सभी लोगों को मालूम भी होना चाहिए 61 हो जाती है। फिर आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर आता है सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 की बात है। जो आप टोटल मध्य प्रदेश का हिस्सा मान लीजिए, किसे? इसे पूरा, यहां से छत्तीसगढ़, यहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां से लेकर पूरा। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक मिलाकर। इस समय तक आप देखेंगे कि आपके 61 जिले थे,
लेकिन सन 2000 को क्या होता है, 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है छत्तीसगढ़। क्या कर दिया जाता है? छत्तीसगढ़। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब तक आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक आप देखिए आपकी सीमा किस किस से लगी लगती थी, आंध्र प्रदेश से भी लगती थी और आपको बता दूं उड़ीसा से भी लगती थी, झारखंड से भी लगती थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ के पहले अलग होने के पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने कौन कौन से राज्यों से लगती थी, इनमें इस राज्य से लगती थी या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है। तो जरूर आपको मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूर मालूम होना चाहिए। और इसके बारे में एक और बात बता देता हूं, आप देखेंगे कि जब सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ ही मानिए आप लोग, छत्तीसगढ़ अलग कर किया जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि आपके कितने जिलों को अलग करके किया गया था, 16 जिलों को। कितना? 16 जिलों को अलग करके मध्य छत्तीसगढ़ राज्य बना, नया राज्य। क्या बना? नया राज्य बना। और अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे, 45 जिले रह गए थे। कितने? एमपी में कितने जिले रह गए? 45। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 61 में से आप लोग 16 घटा दीजिए तो कितने आपके 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में, तो 45 जिले बचे। लेकिन एक बात और आपको यहां बता दूं, देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग छत्तीसगढ़ के जब पुनर्गठन किया गया सन 2000, सन 2000 की बात है, तो इसमें आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए कुछ पॉइंट कि लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। ये कब की बात है? 26 जुलाई सन 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लोकसभा में एक विधेयक लाया गया था। क्योंकि आप देख सभी जानते हैं कि जब किसी राज्य को अलग किया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा से आपको पास करवाना होता है, और लोकसभा और राज्यसभा में जब तक रहता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तो वो कानून बन जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये 26 जुलाई 2000 सन 2000 को लोकसभा में पेश किया जाता है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, और 31 जुलाई सन 2000 में पारित हो जाता है लोकसभा से, लोकसभा इसे पारित कर देती है। और आप सभी जानते हैं कि एक प्रक्रिया है, फिर आप देखेंगे कि लोकसभा में पारित हो गया और उसके बाद ये कहाँ गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में अभी तो जाना पड़ता है, तो राज्यसभा में गया 9 अगस्त 2000 को, सन 2000 में ये राज्यसभा में जाता है। और आप देखेंगे कि राज्यसभा 9 अगस्त को ही पास कर देती है, 9 अगस्त को पास कर देती है। उसके बाद आप देखेंगे 25 अगस्त, कब? 25 अगस्त, 25 अगस्त सन 2000 को ये प्रस्ताव जाता है किसके पास? विधेयक राष्ट्रपति साहब के पास, यानी कि के आर नारायण, इस समय के आर नारायण इस समय की क्या कौन थे? राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा इस प्रस्ताव, इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाते हैं 25 अगस्त सन 2000 को। और आप देखेंगे कि ये 84वां संविधान संशोधन था। किस नंबर का? 84वां। एक कई बार पूछ लेगा 84वां संविधान संशोधन, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ को अलग करते समय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 84वां था, ठीक है। और 1 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 6 छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, और छत्तीसगढ़ देश का क्रम में आप देखेंगे तो 26वां राज्य था, 26वां राज्य था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए। और जिस समय आप देखेंगे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो आप देखेंगे इसका जो टोटल क्षेत्रफल था कितना क्षेत्रफल था? 4,43,004
443,446 वर्ग किलोमीटर। इसमें से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितना मिल जाता है, 1,35,913 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र किसे मिल जाता है, छत्तीसगढ़ में चला जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पास आप सभी जानते हैं कितना रह जाता है, आप लोग बताइए, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश के पास रह जाता है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए इतना। ठीक है, तो जरूर आपको लोगों को याद रखना चाहिए। यहां मुझे लगता है कि ये बताया हुआ है तो एक और बात बता देनी चाहिए, आप सभी के मन में होगा कि इसमें 84 बार संविधान संशोधन किया गया जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। तब मध्य प्रदेश में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, मध्य प्रदेश को राज्य बनाने के लिए 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन था। ये जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके बारे में, एक सामान्य जानकारी तो आपके पास होना चाहिए ना, कहीं नहीं होना चाहिए, मुझे तो लगता है कि होना चाहिए, फिर आपकी इच्छा है। अब आप लोग देखेंगे कि 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को आपका मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आ जाता है, यानी कि इस तरह से आपका मध्य प्रदेश आ जाता है और छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। अब आपको बता दूं एक बात और कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो जाता है, और इस समय 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले बचते हैं। कितने, 45 जिले बचते हैं। ठीक है, और 16 आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। फिर आप सभी जानते हैं कि जो आपका 15 अगस्त सन 2003 की बात है, 15 अगस्त सन 2003 की बात है, क्या हुआ, यह हुआ कि आपका 3 नए जिले बनाए गए, 3 नए जिले बने कब, 2003 में। और ये कौन कौन से जिले थे, गुना से अशोकनगर, अशोकनगर किससे अलग किया गया था, गुना से, गुना से अलग करके सन 2003 में अशोकनगर को एक जिला बनाया गया था। क्या बनाया गया था, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को, बुरहानपुर को एक से खंडवा से। ठीक है, और एक और नया जिला बना था, इसमें 3 नए जिले थे, शहडोल से अनूपपुर को, अनूपपुर नया जिला बना था, अनूपपुर एक किससे अलग किया गया था, शहडोल से। इस तरह से आप देखेंगे टोटल आपके जिले सन 2003 में कितने हो जाते हैं, 48। 3 नए जिले बनाए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, और अशोक नगर को गुना से अलग करके बनाया गया था, बुरहानपुर को खंडवा से, और शहडोल से अलग करके अनूपपुर को। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सन 2003 में कितने जिले का गठन हुआ था, कौन कौन से जिले थे, अशोकनगर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो गुना से अशोकनगर, बुरहानपुर से खंडवा से बुरहानपुर, और शहडोल से अनूपपुर। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब 48 हो गए। फिर आता है आप देखेंगे कि आपका मई मई 2008 की बात है, कब की बात है, 2008 की बात है, और 2008 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं। कितने, 2 नए जिलों का गठन होता है। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से जिले थे, झाबुआ से अलग करके अली राजपुर किससे, झाबुआ से। सन 2008 में अली राजपुर नया जिला बनता है झाबुआ से अलग करके, और आप देखेंगे सीधी से अलग करके सिंगरौली बनाया जाता है। सिंगरौली भी आपका, जहां से आप 82.5 डिग्री देशांतर देखते हैं ना, वो गुजरती है यहीं से, सिंगरौली आपका सीधी से अलग करके बनाया जाता है। इस तरह से टोटल 2008 में कितने जिले हो जाते हैं, 50 जिले हो जाते हैं।
कितने? मध्य प्रदेश में 50 जिले हो जाते हैं। फिर आता है आपका 16 अगस्त, 16 अगस्त 2013 की बात है। सन 2013 को एक और नया जिला बनता है, एक नया जिला बनता है, कौन सा था ये? ये था आपका आगर मालवा, जिसे आगर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एक किससे अलग करके बनाया गया था? शाजापुर से अलग किया गया था। और आप टोटल कितने हो जाते हैं? 51। ठीक है, फिर आप देखेंगे 1 अक्टूबर आता है, 1 अक्टूबर 2018 की ये बात है, 2018 की बात है। एक नया जिला और बनाया जाता है और इस जिला बनता है, और इस तरह से ये था निवाड़ी, निवाड़ी जो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। और पृथ्वीपुर और आप देखते हैं जो ओरछा था और जो निवाड़ी था, ये इसमें निवाड़ी जिले में आपका शामिल है, ये टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। टोटल इस तरह से आप देखेंगे 52 जिले बनते हैं। और 2022 तक आप सभी जानते हैं कि 2022 तक आपके 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1 नवंबर सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बने थे, बचे थे। उसके बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए जाते हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। और फिर आपका मई 2008 में 2 नए और जिले जोड़े जाते हैं, अलीराजपुर, सिंगरौली। फिर अगस्त 2013 में आपकी एक नया जिला बनता है आगरा, माफ करिए आगर। और फिर 1 अक्टूबर 2018 को एक और नया जिला बनता है निवाड़ी। उस तरह से आपके टोटल जिले हो जाते हैं 52। अभी वर्तमान में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। इन सभी को याद रखिएगा जरूर, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका, क्या कर लेता है? कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। और मैं आपसे दो समितियों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है ये समितियों से। तो मध्य प्रदेश के जिला पुनर्गठन समितियां रही हैं मध्य प्रदेश की दो, एक तो आप देखेंगे एक थी आपकी बी आर दबे या दुबे समिति, ये समिति आई थी। इसका गठन हुआ था कब? आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका गठन हुआ था 1983 में। लेकिन आप देखते हैं कि 1998 में इसके आधार पर आपके जिले बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? जिले बनाए गए थे। फिर आप देखेंगे एम दूसरी थी, एम क्या थी? एम एस एस सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति। और ये आपकी कब आई थी? जून 1998 में, 1998 में। इन दो समितियों से याद रखिएगा, कई बार पूछ लेगा आपसे कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन समितियां कौन कौन सी हैं, इनमें से बी आर दवे समिति और एम एस सिंहदेव समिति। आप लोग इन दोनों समितियों के बारे में याद रखिएगा, जरूर याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां आपके मध्य प्रदेश से संबंधित दो पॉइंट, कुछ पॉइंट और भी हैं आपके। एक तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब तक 1947 में हमें आजादी मिलती है, 1947 में आपको आजादी मिलती है, और 1956 तक, 1956 तक आप देखें, मध्य प्रदेश को मध्य भारत कहते थे आप लोग। क्या कहते थे? मध्य भारत कहते थे, ठीक है, और बीच में होने के कारण। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश किसने पहली बार नाम दिया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा था, किसने? हृदय प्रदेश किसने कहा था? हृदय प्रदेश, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल लाल नेहरू ने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फजल अली आयोग ने भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश नहीं की थी, याद रखिए, जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी, जबलपुर को बनाने की सिफारिश की थी, किसने? जो आपका फजल अली आयोग था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया, वरना आपकी राजधानी जबलपुर होती।
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव के सुझाव पर आप देखेंगे भोपाल को राजधानी बनाया गया था। किसे? भोपाल को। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य कर्ता धर्ता थे, प्रधानमंत्री थे, तो ये भी याद रखिएगा। और सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य थी कौन सी? इनका नाम था श्रीमती अमृता अमृता कौर। इस तरह के क्वेश्चंस क्या हो रहता है, कई बार पूछ लेता है आपसे, ठीक है? तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और रियासतों की बात करें अगर मध्य प्रदेश में मिलाने की, तो बुंदेलखंड पहली रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने की घोषणा की थी, ठीक है? और अलीराजपुर जिले में भावरा का नाम आप सभी लोगों ने मालूम होगा, सन 2010 में, 2010 में भावरा का नाम क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद कर दिया है इस नगर, ये क्वेश्चन अगर आजाद नगर, ठीक है, पूछे तो आप लोग बता देना क्या जाता है। और जब आप सभी को बता चुका हूं कि 1956 में जब भोपाल को राजधानी बनाया गया था, उस समय आप देखिए जिला नहीं था भोपाल, आपको मालूम होना चाहिए सीहोर की एक तहसील थी, लेकिन 1972 में भोपाल को भी जिला बना दिया जाता है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक और बात बता देता हूं, यहां देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्या इस तरह से देखने को मिलेगा? और इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका कौन सा? छिंदवाड़ा। यह है आपका छिंदवाड़ा, देखिए महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। अब आप कहेंगे कि छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है, छिंदवाड़ा का, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छिंदवाड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। और अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो निवाड़ी है, क्या है? निवाड़ी है। अब आप कहेंगे निवाड़ी कहाँ है, तो ये आपको निवाड़ी देखने को मिलेगा, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका है 1318, 1318 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी सीमा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगती है, तो ये भी आप लोग। जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर है, क्या है? इंदौर है। कितना है, कितनी जनसंख्या है? 32.76 लाख। एक बात और बता दूं, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूं, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 4,00,01, 4,01 लाख। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, उसके बाद सागर है, शिवपुरी है, क्योंकि तीन टॉप आपको क्षेत्रफल में बड़े जिले याद रखना चाहिए, पहले नंबर पर छिंदवाड़ा, फिर सागर, फिर शिवपुरी। और सबसे छोटे में आप देखेंगे पहले नंबर पर निवाड़ी सबसे छोटा, उसके बाद आप देखेंगे दतिया उससे ऊपर, फिर भोपाल उससे ऊपर। और जनसंख्या में देखें तीन बड़े जिलों की, तो इंदौर, जबलपुर, सागर, और छोटे में निवाड़ी आगर दूसरे पे है और हरदा तीसरे पर है, ठीक है? तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब संभागों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से संभाग क्या खास है, कब गठन किया गया, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। और देखिए वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमाएं पांच राज्यों से लगती हैं, एक तो महाराष्ट्र से, गुजरात से, एक आप देखेंगे राजस्थान से, एक आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से, और एक आपकी छत्तीसगढ़ से। और ये भी याद रखिएगा कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है आपकी, ये 14 जिलों से होकर जाती है मध्य प्रदेश के, रतलाम, उसके बाद आप देखिए उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ना, ये केवल आपकी सिंगरौली से होकर जाती है। ये क्वेश्चंस कई बार आपका एमपीपीएससी में पूछ लिया है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा। आप सभी को मालूम है कि अभी वर्तमान में आपके संभाग हैं कितने, संभागों की संख्या कितनी है, संभाग 10 संभाग हैं। और जिले कितने हैं, जिले हैं आपके 52। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि कौन सा जिला किस संभाग में है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं ना,
तो आपको सबसे पहले संभाग की बात करते हैं, और सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, जबलपुर संभाग की बात करते हैं। किसकी? जबलपुर, जबलपुर संभाग। और इसमें याद रखिएगा कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और इसमें आपके 8 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। 8 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? जबलपुर। अब आप कहेंगे कि एक बार मैप में दिखा दीजिए इन सभी जिलों को, तो चलिए आप लोगों की बात टाली थोड़ी जा सकती है। तो सबसे पहले आप लोग जबलपुर आ जाइए, जबलपुर। जबलपुर के बाद आप देखेंगे कटनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर। क्या? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद छिदवाड़ा, छिदवाड़ा के बाद सिवनी, डिंडोरी और मंडला और बालाघाट। ये 8 जिले हैं आपके जबलपुर संभाग में, और इसका मुख्यालय, जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर में ही है। ठीक है, ये भी आप लोग इंदौर याद रखिएगा। दूसरा आपका संभाग, हम लोग बात करते हैं इंदौर के बारे में। किसके? इंदौर के बारे में। इंदौर भी आपका संभाग ही है। क्या है? संभाग है। और इसमें आपके 8 जिले आते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि जबलपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग आपका इंदौर है। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा, इंदौर में ही देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके 8 जिले हैं। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से 8 जिले इसमें शामिल हैं, बता दीजिए एक बार, वो भी बता दीजिए। तो चलिए वो भी बता देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इंदौर देखिए, कहाँ? इंदौर हो गया। उसके बाद आप देखें धार हो गया, झाबुआ हो गया, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, पश्चिमी निवाड़ हो गया, ठीक है, जिसे आप लोग पश्चिम खरगोन कहते हैं, पूर्वी निवाड़ हो गया, खंडवा कहते हैं, बुरहानपुर हो गया, और फिर आप देखेंगे बड़वानी हो गया। ये 8 आपके जिले किसमें शामिल हैं? इंदौर में। इंदौर खुद शामिल है इंदौर संभाग में। धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, पश्चिमी निवाड़, खरगोन जिसे कहते हैं, पूर्वी निवाड़ जिसे खंडवा कहते हैं, बुरहानपुर और बड़वानी। फिर आपका आता है भोपाल। क्या? भोपाल संभाग। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भोपाल में 5 जिले आपके शामिल हैं। कितने? 5 जिले। कौन कौन से जिले हैं? और इसका याद रखिए, मुख्यालय आपको भोपाल में ही देखने को मिल जाएगा, राजधानी में। इसका इसमें भोपाल आपका शामिल हो गया। भोपाल के बाद आप लोग सीहोर चले जाइए, सीहोर इसमें शामिल है, रायसेन आपका शामिल है, और रायसेन के बाद आप देखेंगे राजगढ़ भी इसमें शामिल है, और विदिशा इसमें शामिल है। भोपाल संभाग में आपके 5 जिले आते हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, रायगढ़ और राजगढ़ और विदिशा, 5 जिले। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि ग्वालियर आता है, ग्वालियर संभाग। इसमें कितने जिले हैं ग्वालियर में, बताइए? इसमें भी आप देखेंगे 5 जिले ही आते हैं। कितने? 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो ग्वालियर में आप देखेंगे कि ग्वालियर मुख्यालय इसका ग्वालियर ही है, ग्वालियर संभाग का। और इसके अगर जिलों की बात करें तो ग्वालियर हो गया, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, ठीक है, और गुना के बाद अशोकनगर हो गया और दतिया हो गया। ये आपके 5 जिले आते हैं ग्वालियर में। कौन से? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। फिर आप देखेंगे रीवा संभाग की बात कर लेते हैं। रीवा संभाग, रीवा में कितने जिले हैं? 4 जिले आते हैं रीवा संभाग में, और इसका मुख्यालय रीवा में ही आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से जिले हैं रीवा संभाग में? तो आपको मालूम होना चाहिए, एक तो आपका रीवा खुद है, और फिर आप देखेंगे सतना है, सीधी है और सिंगरौली है। तो रीवा संभाग में 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। फिर आप देखेंगे उज्जैन आ जाता है, उज्जैन, उज्जैन। इसमें कितने जिले शामिल हैं? उज्जैन में 7 जिले शामिल हैं। और आपको बता दूं कि उसका इसका मुख्यालय उज्जैन में ही देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 7 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका उज्जैन ही हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। उज्जैन के बाद आप देखेंगे देवास हो गया, देवास हो गया, और देवास के बाद आप देखेंगे शाजापुर हो गया, शाजापुर हो गया, शाजापुर हो गया, ये ठीक है। आगर हो गया, आगर मालवा, रतलाम हो गया, और मंदसौर हो गया, और नीमच हो गया।
ये आपके सात जिले उज्जैन में है। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। फिर आप देखेंगे सागर संभाग आता है, सातवां आपका सागर मान लीजिए, सागर संभाग। और इसमें आप देखेंगे छह जिले आते हैं। कितने? छह जिले आते हैं आपके। कौन कौन से जिले इसमें शामिल है? एक तो आप देखेंगे सागर का मुख्यालय सागर में ही देखने को मिलेगा, इसमें सागर आपका जिला शामिल है। और फिर आप देखेंगे दमोह भी शामिल है, छतरपुर भी शामिल है, पन्ना भी शामिल है, टीकमगढ़ और निवाड़ी भी शामिल है। इस तरह से टोटल छह है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आप लोग आठवां नंबर किसे दे सकते हैं, कौन से संभाग को? चंबल संभाग को, या किसी भी को देख लीजिए, चंबल संभाग को। और इसमें आप देखेंगे चंबल में आपको इसका मुख्यालय मुरैना देखने को मिलेगा, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी संभाग आप देखते थे कि आपका जिस नाम पर पड़ा था संभाग, जैसे ग्वालियर संभाग था तो इसका मुख्यालय ग्वालियर में ही था, लेकिन इसका अलग मामला है। चंबल में आप देखेंगे तीन जिले आपके शामिल है, तीन जिले कौन कौन से हैं? एक तो आप देखेंगे कि आपका भिंड हो गया, मुरैना हो गया और श्योपुर हो गया, तीन जिले आपके चंबल संभाग में है। ठीक है, एक है आपका नौवा, आप लोग नर्मदापुरम, इसका नर्मदा पुरम, इसका इसका मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद में, क्योंकि याद रखिए पहले इसका नाम होशंगाबाद था, होशंगाबाद। और इसमें कितने जिले आते हैं आपके? लेकिन आपको सभी को मालूम है कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम अगस्त 2008 में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तीन जिले इसमें भी शामिल है आपके, तीन जिले आपके नर्मदापुरम में हैं। कौन कौन से हैं? और इसमें आपका एक तो होशंगाबाद है, कौन सा? होशंगाबाद। देखिए आप लोग होशंगाबाद और आप हरदा, बैतूल, तीन जिले हैं आपके नर्मदापुरम संभाग में, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। इसका होशंगाबाद इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, फिर अंतिम में आपका कौन सा? शहडोल, शहडोल संभाग। और इसका मुख्यालय आपको शहडोल में ही देखने को मिलेगा। ये सबसे नया है क्योंकि 14 जून 2008 में से संभाग बनाया गया था, कब? 2008 में। और इसमें भी आपके तीन जिले शामिल हैं, कौन कौन से? तीन जिले शामिल हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि शहडोल हो गया आपका, शहडोल हो गया, उमरिया हो गया और अनूपपुर हो गया। शहडोल, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इस तरह से आपके टोटल कितने? 10 संभाग भी हो गए। तो ये भी याद रखिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं और मुझे लगता है कि मालूम भी होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े संभाग की बात करें तो याद रखिए जबलपुर है आपका, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग शहडोल है, क्या है? शहडोल है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर है, क्या है? इंदौर है। और जनसंख्या में सबसे छोटा छोटा जिला संभाग ये शहडोल है। तो क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है शहडोल आपका। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जबलपुर है और जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर है। तो ये अभी तक वर्तमान के जो भी मध्य प्रदेश रहा है इसकी बात हो गई। एक बार और आपको बता देता हूं जिलों के गठन के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कई बार इस जिलों से पूछ लेता है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर कब तक? 1 नवंबर 1956 के पहले, यानी कि 1947 में आपको आजादी मिलती है और 1956 तक मध्य प्रदेश राज्य के स्थान पर चार राज्य थे, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। उसके बाद आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। और आप सभी को मालूम है कि 43 जिले इस समय बनाए जाते हैं। फिर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1972 में, 73 में आप देखेंगे भोपाल राजनांदगांव को जिले बनाते हैं और टोटल आपके 45 जिले हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1972 की घटना 72-73 की मानी जाती है, ठीक है, 72 में ये बनाया गया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपका 45 जिले हो जाते हैं, दो जोड़ के,
फिर आपका 1900 मई 1998 की बात है, मई 1998, ये आप देखेंगे 25 मई 1998 को, चार कितने आपके 8 जिले और जोड़े जाते हैं, कितने 8 जिले, और आप देखिए कि 8 जिले जोड़कर, माफ करिए, इसमें आपके 10 जिले जोड़े गए थे, एक सेकेंड, कितने 10 जिले जोड़े गए थे, जिसमें 4 तो आपके मध्य प्रदेश के थे, बड़वानी और सैहोर, कटनी, डिंडोरी, और बाकी 6 छत्तीसगढ़ के नए जिले थे, तो टोटल आपके 55 हो जाते। फिर आप देखते हैं कि आपका ये 10 जून की बात है, 10 जून 1998 की, आप देखेंगे 1998 में 6 और जिले जोड़े जाते हैं, जिसमें 3 आपके मध्य प्रदेश के थे, उमरिया, हरदा, नीमच, तो इस तरह से 61 जिले हो जाते हैं। फिर आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को, सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाता है, और आप सभी को मालूम है कि 16 जिला इसमें चले जाते हैं छत्तीसगढ़ को अलग करने में, तो इस समय मध्य प्रदेश में कितने बचते हैं 45, ठीक है, कितने बचते हैं 45। फिर आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 नए जिले जोड़े जाते हैं, 15 अगस्त 2003 की बात है, अगस्त 2003 की बात है, और आप देखेंगे कौन कौन से, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, इस तरह से आपके टोटल 48 जिले हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे 17 मई 2008 की बात है, 2008 की बात है, इस एक दो जिले जोड़े गए थे, अलीराजपुर और सिंगरौली, इस तरह से आप देखेंगे 50 जिले हो जाते हैं टोटल। फिर आप देखेंगे 16 अगस्त 2003 की बात है, माफ करिए 2013 की बात है, 2013 की बात है, एक नया जिला जोड़ा गया था, आप सभी को मालूम हो गया कि आगर जिला को जोड़ा गया था शाजापुर से अलग करके, और इस तरह से टोटल 51 हो जाता है। फिर अक्टूबर 2018 की बात है, 2018 में आप सभी को मालूम है कि एक नया जिला निवाड़ी जोड़ा गया था टीकमगढ़ से अलग करके, 52 जिले हो जाते हैं, इस तरह से टोटल आपकी अभी तक वर्तमान 52 जिले हैं। आगे आप सभी जानते हैं कि जिले जुड़ते रहेंगे, उसके लिए आप लोग करेंट अफेयर से अपडेट बने रही है। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है और पुनर्गठन हो जाता है, और मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन करिए और आराम से निकल जाएगा। जैसा कि आप सभी से वादा किया हुआ है कि पहले हम लोग एक क्लास में विस्तार से बात करेंगे, उसके बाद दूसरी क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे, यानी कि उनके उनसे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सामान्य एक तरह से आप कहिए जो गठन पुनर्गठन था, उसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर एक विस्तार से गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उस क्लास को भी आप लोग देखते रहिए, और हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। आपके कुछ सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, सुझाव हो तो जरूर बताइएगा, उन पर विचार किया जाएगा, अगर मानने लायक होंगे तो उन्हें माना भी जाएगा, ठीक है।